पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बेटे को उतारने की मैदान में, तो देखिए मेरी पत्नी अभी पीछे कोरोना काल में बीमार हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उनका मतलब इलाज हुआ, बच पाई वो। तब से लेकर उनमें वो स्पिरिट नहीं रही, वो ताकत नहीं रही कि वो सेवा कर सके, भाग दौड़ कर सके जनता के। बैठ के तो वो कार्य कर सकती हैं। मैंने भी जो है सोचा कि चलिए बेटे को अवसर दूँ, युवा हैं, युवा उसके साथ हैं, पूरी जनता उसके, उसे लोग पसंद करते हैं, उसे क्षेत्र की जनता बहुत पसंद करती है। तो इस ये सोच के कि अच्छे ढंग से ज़्यादा समय वो जनता को दे और क्षेत्र के लिए विकास करे और नए नए कार्य करे, नाली सड़क साफ सफाई पेयजल की व्यवस्था तो आम व्यवस्था है, लेकिन कुछ बड़ा करे, कुछ बड़ा ऐसा करे कि लाइन पार की जनता को उससे लाभ हो। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एक बार पुनः फिर सभी मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि वो अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। मेरी पत्नी श्रीमती माया सैनी 2 बार से वार्ड 29 की पार्षद रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब बहुत बड़ा योगदान है हमारे परिवार के ऊपर कि हर बार वो हमें इस अवसर को देते हैं और हम बाखूबी उसको निभाते हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पुत्र राहुल देव वरुण को प्रत्याशी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये उपकार है और मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से मैं ये चाहूँगा कि मतलब एक एक जन, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, चाहे वो माननीय महापौर जी के लिए हों, चाहे वो पार्षदों के लिए हों। और मैं अपनी प्रिय जनता से ये अपील करूँगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी एक नए भारत का निर्माण कर रही है, तो उस निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें, भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत और मत से नवाजें। और इसका मत का प्रयोग करते हुए मैं सभी से एक और प्रार्थना और अनुरोध करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रचार करें, क्योंकि देखने में आया जो अन्य दल हैं वो कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, अपनी छवि खुद ही बेकार कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि कोशिश करें कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही आएँ और उसमें सहयोग करें, ताकि इस देश को हम ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएं जिस तरह से विश्व में आज भारत का नाम है, इसी प्रकार से और बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लें, ताकि पूरे भारतवर्ष में भारत का बहुत बड़ा नाम हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।